मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर मटीरियल लॉसेस। फर्स्टली व्हाट डू वी मीन बाय मटीरियल लॉस? मटीरियल लॉस मे टेक द फॉर्म ऑफ वेस्ट, स्क्रैप, डिफेक्टिव्स एंड स्पॉयलेज। प्रॉब्लम्स ऑफ स्पॉयलेज, वेस्ट, डिफेक्टिव यूनिट्स एंड स्क्रैप आर बाउंड टू अराइज इन ऑलमोस्ट ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, सो देयर इज यूजुअल अ डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट एंड द इनपुट। मटीरियल लॉसेस देखो किसी भी फॉर्म के हो सकता है, वेस्टेज की फॉर्म के या फिर स्क्रैप, डिफेक्टिव एंड स्पॉयलेज। हुण वेस्टेज का देखो आपको पता है भी की हुंदा, जे आपां गल करदे हां स्क्रैप की, तो स्क्रैप की हुंदा भी जो आपां कोई एक फाइनल प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम के आपां जिन्नी भी वेस्टेज लाइक प्लास्टिक वगैरह की जिहड़ी यूजलैस हुंदी आपां उसनूं की कर दिंदे हां सुट दिंदे हां, आपां उसनूं की कह सकते हैं स्क्रैप या फिर स्क्रैप्ड मटीरियल। नैक्सट इज़ वेस्ट। वेस्ट इज़ डिफाइंड एज डिस्कार्डड सबसटांस हैविंग नो वैल्यू। आपको पता है कि वेस्ट की है, सबसटांस है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होंगी। इन मैनी इंडस्ट्रीज सम वेस्ट इज इनवाइटेबल। सच वेस्ट वेयर आइज ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ मटीरियल, कैमिकल्स, इवेपोरेशन, ड्रॉइंग, सबलिमेशन ऑफ गुड्स एंड एक्सट्रा। आपको पता है कि वेस्ट है जो किसी भी फॉर्म के हो सकता है, गैस, स्लैग, स्मोक, डस्ट, जो चीज़ यूजलैस आप उसको की कह सकते हैं वेस्ट का नाम दे के उसको आप कर दें सुट देंगे। नैक्सट अपने को एबनॉर्मल वेस्ट। देखो आपको पता भी नॉर्मल तो एबनॉर्मल सुपर की चीज़ होंगी है। एबनॉर्मल वेस्ट एनी लॉस कॉज्ड बाय अनएक्सपैक्टड और एबनॉर्मल कंडीशन, जो भी अनएक्सपैक्टड एमरजेंसी टाइम अपन अराइज हो जाते हैं वेस्टेज वगैरह, या फिर आप कह सकते हैं भी अनएक्सपैक्टड कंडीशन के अंडर आप उसको की कह देंगे एबनॉर्मल वेस्टेज कह देंगे। नेक्स्ट की है स्क्रैप। हुण देखो जिहड़ा वेस्टेज हुंदा ना उह तां 100% ही यूजलैस हुंदा क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं हुंदी, बट जे आपां गल करिए स्क्रैप की तो स्क्रैप आप उस चीज़ नूं कह सकते हैं भी देखो जे तो आप उस नूं एज आ वेस्ट कंसीडर करते हैं तो वह वेस्टेज है, बट जे आप उसका रीयूज कर लेंगे तो वह वेस्टेज नहीं है। तो करके भी जेडे मटीरियल के आप फरदर इंप्रूवमेंट्स करके मॉडिफिकेशन करके रीयूज कर पाइए आप उसको की कह सकते हैं स्क्रैप कह सकते हैं। तो करके एक योजा डिस्कार्डड मटीरियल है जिसकी कुछ ना कुछ की होंगी वैल्यू होंगी है। इट रीप्रजेंट फ्रैगमेंट और रीमेंट्स ऑफ मटीरियल दैट आर लैफ्ट फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ मैनुफैक्चर। इट इज़ अ मटीरियल लॉस बट हैज़ समॉल वैल्यू विदाउट फरदर प्रोसैसिंग। भी जेकर आप फरदर प्रोसैसिंग करके कुछ बना रहे हैं तो वह की है स्क्रैप है। एक होंगे लैजिटीमेट स्क्रैप, एक होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, तो एक होंगे डिफेक्टिव। देखो लैजिटीमेट कि होंगे जेड़ा टर्निंग, बोरिंग, पंचिंग वगैरह टाइम होंगे गा आप उसमें लैजिटीमेट स्क्रैप कह देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कि होंगे एडमिन लैवल एक्सपेंसिस कि होंगे ने लाइक प्रिंटिंग, स्टेशनरी वगैरह। तो डिफेक्टिव कि हो गए इनफीरियर जो चीपर क्वालिटी के, जिमें डिफेक्टिव मशीनस वगैरह हो गई, तो यह की एक स्क्रैप है। नैक्सट इज डिफेक्टिवस। डिफेक्टिव यूनिट्स आर दोज विच डोंट मीट विद द डिसमीनेशन या फिर डायमेंशनल और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड आर रिवॉकड फॉर रैक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स। डिफेक्टिव वो होंगे ने जेडे एक गिवन स्टैंडर्ड्स जेडे उन्होंने कंडीशनस फुलफिल नहीं कर पाते, तो अपने उन्होंने की करना होंगे रीवर्क या फिर रैक्टिफाई करना होंगे फरदर यूज के लिए। तो आप योजे प्रोडक्ट्स में या फिर योजे मटीरियल की कह सकते हैं डिफेक्टिव मटीरियल, मीनस जो सब स्टैंडर्ड तो बिलो होंगे ने जेडे उन्होंने रीवर्क करवाना पैदा, तो रैक्टिफिकेशन वगैरह करवाने पैदे ने फरदर इंप्रूवमेंट के लिए। तो एक बेसिक जो पॉइंट्स इन्हें एक बार रीड कर लियो जिन्ना मैं करवाया हूँ तक। नैक्सट आप एक इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये तुम देखो गिवन है बैच की कि ने यूनिट्स गिवन ने, प्राइस, कॉस्ट, हर एक चीज़ गिवन है। अपने की कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स इन ए बैच का। देखो अपने को यूनिट्स गिवन ने, प्राइस गिवन, तो अपने की कैलकुलेट करना है, मिनिमम परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। सब तो पहले आप मान लाँगे ये टेस्टिंग इज़ डन, कॉस्ट कम्स टू। हूँ देखो 1000 की ने गे यूनिट्स ने, कॉस्ट कितनी है 50 है, तो आप करा 50 + 1000 दैन यूनिट्स आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव यूनिट्स किन्ने की कॉस्ट देने 12.50 रुपीज़ की, तो आपने की करना है 50 + 1000 इनटू डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मल्टीप्लाई करना है, तो जोड़ा अपना नॉर्मल कॉस्ट है उसको की करना है यूनिट्स के नाल एडअप करना है। तो डिफेक्टिव कि 12.50, तो इज इक्वल टू 50x + 12,500। इन्हों आपस मल्टीप्लाई करके आ गया अपने को, उस तो बाद अपने की करना है फिर 50x की वैल्यू कट लेने कि आ गया 250 यूनिट्स। हम अपन की चीज़ पता लग चुकी है इतने भी जे 1000 यूनिट्स के जो डिफेक्टिव यूनिट्स ने 250 ने तो किन्ने परसेंटेज ने
25%। अपन सिर्फ परसेंटेज नहीं सी कुछ भी नहीं, अपने को लिया देखो सारा कुछ अपन गिवन से, यूनिट्स गिवन ने, उन्होंने रेट में या फिर कॉस्ट में एडअप कर देने, मल्टीप्लाई कर देना डिफेक्टिव, मल्टीप्लाई क्यों करने क्योंकि आप परसेंटेज लेनी है इतने। जे देखो 1000 यूनिट्स 250 डिफेक्टिव ने तो मतलब किन्ने परसेंटेज डिफेक्टिव ने, 25% डिफेक्टिव ने। तो नैक्सट इलस्ट्रेशन है सैकेंड में, एक बार ट्राई कर लियो। नैक्सट इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑब्टेन्ड मटीरियल इशूड वेजेस पेड ते फैक्टरी ओवरहेड्स। अपन ने की कैलकुलेट करना है इतने, इफ द स्क्रैप प्रोडक्शन फैस ओनली ₹470, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। अपन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट चाहिए है, तो इस दे लई मटीरियल उस दे उपर लगिया वेजेस लेबर सारे एक्सपेंसिस आप की करांगे सब तो पहला कैलकुलेट करांगे। सब तो पहला अपने कोल की गिवन है, देखो मटीरियल इशू किन्ने दा है 64,000 दा, वेजेस किन्ने दे ने 56,000 दे ने। तो की करना है हुण, देखो मटीरियल इशू हैगा ₹64,000 दा, तो इस तो इलावा अपन की गिवन है आउट ऑफ मटीरियल इशूड ₹800 वर्थ ऑफ गुड्स हैज़ बिन रिटर्नड, तो 400 की हो गया ट्रांसफर हो गया, मीनस 1200 की हो गया, ये 64,000 मटीरियल 1200 है जोड़ा वो रिटर्न हो गया, क्योंकि 800 रिटर्न हो गया तो 400 ट्रांसफर हो गया, तो टोटल कितना हो गया 1200। तो अपने की करना 64 के 1200 माइनस कर देना कि आ जाएगा 62,800 रुपीज़। नैक्सट अपन की गिवन है वेजेस, गिवन ने किन्ने दिया वेजेस ने 56,000 दिया, तो 62,800 रुपीज़ 56,000 प्लस किए तो अपने को गया 1,18,800 रुपीज़। नैक्सट अपन की है लाइन गिवन है 10% ऑफ प्रोडक्शन हैज़ बीन स्क्रैप्ड एज बैड, 10% जी प्रोडक्शन सी की होगी स्क्रैप होगी एज अ बैड, तो फरदर 20% की होगी ब्रॉट अप होगी स्पेसीफिकेशन के लिए, तो 80% की हो गया वेजेस ने। तो आप करा 80% करा तो 60% करा कि वेजेस का, वेजेस किन्ने दिया 56,000 ने, तो कि आ गया 26,880 रुपीज़। नैक्सट अपने को 20% ऑफ आउटपुट, तो आप आउटपुट का कि करा 20% तो 80% किस चीज़ का सी वेजेस का, तो आप एडअप करा कि आ गया 8,960 रुपीज़। तो आप इसका टोटल करके की कर देवे, इस एडअप कर देवे, आप फिर देखने ने फैक्टरी एक्सपेंसिस किन्ने ने 470, वो भी की हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो अपने को आ गया फैक्टरी की कॉस्ट आ गई, बट अपन कि कॉस्ट चाहिए है पर यूनिट चाहिए है, तो आप इस करा 90 के नाल की करा डिवाइड कर देवे, 90 के नाल डिवाइड करके की आ चुकी अपने को फैक्टरी कॉस्ट पर यूनिट। हुण 90 कितों आया, देखो ग्रॉस आउटपुट कि 100 यूनिट्स की सी, तो सेल प्रोसीड्स कि होगी स्क्रैप चो 10% से ना, तो कि आ गया 10, तो माइनस कि आ गया करके 90 रुपीज़। तो कॉस्ट पर यूनिटली की चाहिए अपन पौन 90 चाहिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड से। नैक्सट है स्पॉयलेज, स्पॉयलेज मीनस की होंगे वो प्रोडक्शन जी डायमेंशनल और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नाल मेट नहीं करती, बट हूँ देखो ये स्पॉयलेज तो इस तो पहला की सी डिफेक्टिव सी, डिफेक्टिव दे विच मैं यही गल कही तुहानू कि जिहड़ी स्टैंडर्ड्स नाल नहीं फुलफिल करदी कंडीशनस नू, बट डिफरेंस की है स्पॉयलेज ते डिफेक्टिव दे विच, उस दे विच आपां रीवर्क या फिर रैक्टीफाई कर सकते हैं, बट स्पॉयलेज नू आपां इकोनॉमिकली रैक्टीफाई नहीं कर सकते, कई मेन डिफरेंस है डिफेक्टिव ते स्पॉयलेज दे विच। नैक्सट आपां इलस्ट्रेशन नंबर फोर्थ करते हैं,